is my fucking test. Hello friends, assalamu alaikum. Kaise hai aap log and welcome or welcome back to my channel. तो आज का वीडियो बहुत ही खास है मेरे लिए, खास करके क्योंकि मैं जिम नहीं गई हूँ ये वीडियो शूट करने के लिए. और आज मेरा आखिरी मतलब लास्ट डेट था रिटर्न करने के लिए. तो मैंने क्या किया, मैं सुबह में फटाफट से सब प्रोडक्ट मैंने जितना सारा मैंने मंगवाया था सारे चीज मैंने ओपन करके देख लिया कि साइज वगैरह ठीक है कि नहीं. क्योंकि आज ही मैं मतलब कल रात को मैं ही लास्ट रिप्लेसमेंट के लिए मैं ऑर्डर दे सकती थी. बस सारी चीज ही ठीक ही है तो सोचा आज मैं जैसे भी करके मैं वीडियो बना ही लेती हूँ. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. 7 चिकन करी कुर्ता मैंने ऑर्डर किया है. ऑलरेडी मैं ब्लैक वाला मैंने पहन लिया है और ये ब्लैक भी मुझे बहुत ही अच्छा, मुझे कंफर्टेबल लग रहा है और बहुत ही अच्छा है. जैसे कि इसका जो डिटेलिंग है जो हाथ में जो वो मुझे बहुत ही क्यूट सा लग रहा है. एंड यहाँ पे भी काम है, फ्रंट में यहाँ पे भी वर्क है. और ये सिर्फ ओनली कुर्ता और इसमें मैंने ये अंदर में पहनने के लिए इसमें मैंने अलग से, अरे कहना क्या चाहते हो, 150 का मिल जाता है या फिर 200, एक्चुअली बहुत सारा रेंज में मिलता है. मैं आपको सब चीज का लिंक दे दूंगी. तो इसमें क्या होता है ना तो थोड़े से ठीक रहता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सी थ्रू है तो ऐसे नहीं पहन सकते हैं. और जो लोग कंफर्टेबल है वो लोग जरूर पहन सकते हैं. तो ये मुझे तो बहुत ज्यादा ब्लैक से तो कुछ अलग ही प्यार है. तो मैंने सोचा मैं ब्लैक पहन के ही बैठ जाती हूँ शूट करने के लिए. तो ये आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना. और नेक्स्ट अब दिखाते है ये सारे चीज. और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि सब बहुत अच्छा है. और ब्लैक में मैंने 2-3 ले लिया है तो चलो दिखाते हैं. तो फर्स्ट वन ये चिकन करी कुर्ता. कितना अच्छा कलर है, कितना अच्छा कलर है. ये बहुत ही अच्छा है. इसका हैंड का डिटेलिंग्स भी बहुत ही अच्छा है. ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा. ये आपका फुल तक आ जाएगा एंड पूरा लेंथ में वर्क है. पूरा लेंथ में, पूरा फुल, तो फुल फुल लेंथ में वर्क है. और ये तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना. इसके साथ मैंने मैचिंग मैंने इनर ले लिया है क्योंकि मैंने जैसे कि बोला सी थ्रू है तो यस ये इनर है, इस पैकेटी नहीं है, ये इनर है. यस मैंने बोलने में भूल किया था. तो इसके साथ ये तो बहुत ही अच्छा है. मैं सारा वीडियो में साइड में लगा दूंगी तो आप लोग देख लेना कैसा लग रहा है. तो ये भी बहुत ही अच्छा है. और इसके अंदर में बिना एकदम बहुत ही अच्छे से वर्क किया हुआ है. इसके अंदर में कोई भी जैसा ऐसा कुछ निकला हुआ नहीं है जिससे फंस जाए या फिर जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाए. तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा. कलर भी बहुत ही प्रिटी है, कलर भी बहुत ही क्लासिक प्रिटी है. तो आप लोगों को ये कैसा लगा ज़रूर बताना. ये मुझे बहुत अच्छा लगा है. तो इसके साथ मैंने ये लिया है. सारा प्राइस अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया आते हुए. तो सारे प्राइस मैं साइड में लगा दूंगी तो आप लोग देख लेना. तो ये फर्स्ट वन एंड सेकेंड. ये भी बहुत ही अच्छा है. इसका ये शायद जामुन कलर का है. हाँ, और ये भी ये ब्लैक और ये जामुन कलर का दोनों का सेम है पर मैंने सिर्फ कलर अलग है पर मैंने ले लिया है. तो इसका भी फुल लेंथ वर्क और इसका फ्रंट का डिजाइन देखो कितना प्यारा डिजाइन है. बहुत ही अच्छा है. और बहुत मतलब जो प्राइस इसका जो प्राइस रेंज है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा है. सो मीशो ने मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया. और हैंड पे वैसा वर्क है जैसे ब्लैक वाला का है. सो ये भी बहुत अच्छा है. ये यहाँ तक आ जाता है या फिर 3/4 भी आ जाएगा ऐसे ही. तो ये भी बहुत है. और मेरा सारे मैंने सारे साइज मैंने 38 लिया है. मैं हमेशा कुर्ती में हमेशा मेरा स्मॉल होता है साइज में बट हमेशा मैं लार्ज लेती हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा लूज पसंद आता है. बट इसमें जिस हिसाब से 38 तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये
मैंने 38 दिया था, मतलब लार्ज अगर मैंने दिया है तो ये आया है मीडियम, मीडियम साइज ऐसा ही कुछ, या फिर स्मॉल साइज बोला जाए, उतना भी लूज नहीं आया है। थोड़ा से फिटिंग्स ऐसा हो रहा है पर ठीक है, कोई बात नहीं। बट मुझे इतना प्यारा लग रहा है और मैं रिटर्न नहीं कर सकती क्योंकि कल रात में मेरा टाइम ओवर हो गया है, सो मैं रिटर्न नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सारी चीज कल ही देख लिया था, 12 बजे से पहले अगर कुछ होता है तो मैं रिटर्न कर लूँ, पर ठीक है सभी अच्छा आया है। तो ओवरऑल ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ इसके एकदम एग्जैक्ट सेम कलर का मुझे नहीं मिल रहा था इनर, तो मैंने पिंक ले लिया है, तो पिंक के साथ भी ये चल जाएगा। यस, पिंक के साथ भी चल जाएगा। इनफैक्ट पिंक पहनने से आई थिंक ये थोड़ा सा और डीप होगा और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मे भी देखेंगे पहन के, मैं यहाँ पे वीडियो लगा लूंगी, आप लोग देख लेना। तो ये भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। अब आ रहा है थर्ड। तो ये चिकन करी कुर्ता तो भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि इसका जो क्वालिटी है एकदम प्योर कॉटन है, ऊपर से एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि कॉटन से ये मटेरियल बहुत ही अच्छा दिया है। ये फुल लेंथ तक आ जाएगा, ये भी फुल लेंथ तक आ जाएगा और नीचे तक वर्क है और पीछे में पूरा, पीछे में कुछ है क्या? हाँ, पीछे में थोड़ा सा डिटेलिंग से यहाँ पे वर्क है। वाव, नॉट बैड। ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये भी, और इसका जो फ्रंट में जो डिजाइन है, ओप्स, नॉट बैड। कैसा लग रहा है जरूर बताना आप लोगों को, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें जो, और इसमें जो काम किया है, इसमें जो काम किया आप लोग देख सकते हैं, इतना अच्छे से डिटेलिंग के साथ एकदम वर्क किया हुआ है, कुछ निकला नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बहुत है। ये मुझे उतना एग्जैक्ट दाम तो मुझे नहीं पता है पर ये शायद 500 या फिर 500 to 600 के अंदर ही होगा, उसके अंदर ही होगा। बट उसके हिसाब से भी तो बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि वैसे मैं ऑफलाइन भी मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ और चिकन करी कुर्ता मैंने लिया भी हुआ है, पर इतना मतलब 500 या 600 के अंदर में इतना सस्ता में मुझे इतना अच्छा तो क्वालिटी का कभी नहीं दिखा। सो ये भी बहुत ही अच्छा है और इसका जो मटेरियल है बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत अच्छा है और अभी का समर के लिए तो बेस्ट है। आई लव इट यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे सारे शॉपिंग इसलिए किया कि सामने बकरीद आ रहा है, तो उस बकरीद में तो ऐसा कुछ हेवी कुछ पहनते नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉटन का सूट ही पहनते हैं, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मीशो से इस बार शॉपिंग किया जाए, तो मीशो ने एकदम डिसअपॉइंट नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यस आई लव इट। और मीशो से मैंने ये कपड़ा का रेंज में फर्स्ट टाइम मैंने शॉपिंग किया हुआ है और ये भी 38 है, ये भी 38 है, पर 38 ये ठीक है, ये 38 है बट ये मीडियम है फिर लार्ज है समझ में नहीं आ रहा है, पर जो भी है मेरे से तो यही हो, मेरे से तो साइज बड़ा ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा है कि मुझे ये पहनना चाहिए था अभी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्यूट है। और मैंने 3 दिखा दिया, ये 4th है, ये भी बहुत अच्छा है। मैंने चुन चुन के बहुत ही अच्छा अच्छा कुर्ता मैंने ऑर्डर दिया है और आप लोग भी बताना कि कैसा लग रहा है क्योंकि सारे कुर्ता जो है वो बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में है, आई थिंक 500 to 600 के अंडर में होगा। मे भी मुझे उतना याद नहीं है अभी प्राइस, में सारे प्राइस में लगा दूंगी, बट अच्छा है, मटेरियल भी अच्छा मिल रहा है और क्या चाहिए। यहाँ पे भी ये भी फुल लेंथ हैंड होगा, देखिए एक बार पहन के, ये भी 3/4 ही है, हाँ अच्छा है और कंफर्टेबल है। इसका भी मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट सा है एंड अभी समर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, खड़खड़ा टाइप नहीं है। सो यस, और एक बार कॉटन का कोई भी चीज एक बार अगर पानी में उसको भिगो दिया जाए उसके बाद अगर पहना जाए तो और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ये मेरी मम्मी बोलती है क्योंकि मम्मी हमेशा अपना साड़ियों के साथ ऐसे ही करती है, तो मैंने देखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सब करने के बाद मैं इन सबको ऐसा नॉर्मल वाटर में भिगो के रख दूंगी थोड़ा देर के लिए।
तो ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें जो व्हाइट का जो कलर, मतलब व्हाइट जो फ्लावर है, और ये सारे चीज प्रिंटेड भी नहीं है, सारे चीज एकदम काम किया हुआ है और बहुत अच्छा डिटेलिंग के साथ काम किया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड सबसे बड़ा बात है, ये सब कपड़े में ना थोड़ा थोड़ा जो, अगर ये सब कपड़े में जैसे वर्क किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा अगर निकल जाता है, तो एक अगर निकल गया मतलब सब गया, क्योंकि किसी ना किसी चीज में लग के वो पूरा एकदम खींच जाता है और पूरा डिजाइन का बर्बाद हो जाता है। तो उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। और इसका नेक भी बहुत, ये राउंड नेक है क्या? नहीं, हाँ राउंड है, पर यहाँ पे थोड़ा सा वी शेप में दिया है। ये भी बहुत ही अच्छा है, यस ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसको व्हाइट पैंट के साथ, जैसे कि ट्राउजर हो गया या फिर प्लाजो हो गया, व्हाइट प्लाजो के साथ या फिर व्हाइट दुपट्टे के साथ, ऐसा अगर मैच किया जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लगेगा। और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ तो और अच्छा लगेगा। चिकनकारी कुर्ता के साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ही बहुत अच्छा लगता है, ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी ही अच्छा लगता है। सो यस, आई लव इट, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताना। और इसका पीछे का भी वर्क ऐसा ही है, पीछे में भी छोटा सा काम किया हुआ है, देखे तो। यस, मैंने ना रात में जब मैं पैकेट जब ओपन कर रही थी, तो मैंने उतना अच्छे से नहीं देखा, मैंने सिर्फ देखा कि साइज सबका ठीक है कि नहीं, फिर मैं फटाफट रख दिया। क्योंकि मैंने मुझे बहुत लेट से मुझे याद आया कि अरे मेरा तो आज लास्ट डेट है। तो जो भी हो, तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका प्राइस रेंज ही 550, 600 या फिर 500 के, 5 और 6 के अंदर ही होगा। आप लोगों को ये कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है और ये पहनने से भी बहुत खूबसूरत लगेगा हर एक स्किन टोन में, क्योंकि मैं ब्राउन स्किन टोन हूं, तो मेरा स्किन टोन में अगर अच्छा लगेगा तो सब स्किन टोन में ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ब्राइट लगेगा। और इसके साथ आप कुछ भी आप पेयर कर सकते हो, जीन्स के साथ भी पेयर कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और एक चीज, ये आप कभी भी पहन सकते हो, क्योंकि इसका एक तो ही कितना खूबसूरत है, ऊपर से इसके साथ अगर दुपट्टा और प्लाजो अगर मैच किया जाए तब तो वाह क्या कहने है, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं सारी चीज आप लोगों को साइड में वीडियो में दे दूंगी, आप लोग ये देख लेना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और जो और एक है, अब जो 7 नंबर वाला है, और अब जो मैं दिखाने वाली हूँ वो भी बहुत ही मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है, वो भी ब्लैक है। तो चलो देखते हैं, वो है ये। ओ गॉड, ये मुझे इतना पसंद आ रहा है, इतना। इसका जो कपड़ा है ना, पूरा एकदम मखमल के जैसे, एकदम एकदम ऐसे एकदम नरम, और ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत मतलब बहुत ही अच्छा है। ये पूरा डिजाइन है इसका, सिर्फ फ्रंट में ही ऐसे डिजाइन है, बैक में इतना कुछ खास नहीं है, पर इसका जो फ्रंट में जो डिजाइन है और जो अच्छा लग रहा है ना, अलग ही खूबसूरत है इसका। और इसका भी हैंड तो वही यस, ये भी आपका ये फुल तक आ जा रहा है, ये फुल हैंड तक ही हो रहा है। और इसका जो मटेरियल है, जितना मैंने अभी तक का, इसीलिए मैं रात में शूट करती हूँ, दिन में नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सब बाइक का ही आवाज आता है, प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो ये जो आपका कुर्ती है, मैंने जितना सारा अभी कुर्ती दिखाया है, सब में से अगर बेस्ट मटेरियल अगर देखा जाए तो ये इस कुर्ती का है, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम नरम जैसा बहुत ही अच्छा है। हम लोगों का कोई कोई ओवरसाइज टी शर्ट का जो मटेरियल होता है, उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, गर्म के अभी समर के लिए तो परफेक्ट है, अभी इतना गर्मी है तो बहुत ही अच्छा है। तो इसका फ्रंट का कुछ ऐसा है, पर ये ना, मुझे एक चीज मुझे इसका थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा किसी ने यूज किया है, क्योंकि उतना ये नहीं रहा इसमें, बहुत ज्यादा मतलब
अभी इसका मटेरियल इतना ज्यादा सॉफ्ट है इसकी वजह से लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर ये थोड़ा सा मुझे क्योंकि इसमें कोई टैग तो वैसे भी बहुत सारों को नहीं है, पर एक होता है ना, ये मुझे लग रहा है कि किसी ने यूज करके रिटर्न किया है और मुझे इसने चिपका दिया है मीशो ने। बट इसको अब तो रिटर्न भी नहीं कर सकती, पर मटेरियल इतना अच्छा है तो कोई बात नहीं। वैसे भी बड़े से बड़े शोरूम में जाओ कि ना जारा में भी जाते हैं हम लोग, कोई ना कोई ट्राई तो करता ही है, इज ओके। तो ये भी मुझे बहुत, और इसका भी आपका नीचे का जो लेंथ है उसमें बड़ा 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 फ्लावर दिया हुआ है नीचे तक, एकदम नीचे तक, और इसका लेंथ भी बहुत ही अच्छा है, मटेरियल बहुत अच्छा है। इसका भी प्राइस रेंज वैसे ही होगा 5 और 6 के अंदर, मुझे कुछ याद नहीं है, एकदम ब्लैंक हो गई हूँ मैं, तो सारे में प्राइस दे दूंगी। तो ये लेंथ, ये फ्रंट, ये बैक, बैक में अच्छा, यहाँ पे गले में भी इसका डिटेलिंग से यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा काम किया है, एंड हैंड में भी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को ये कुर्ती कैसा लग रहा है जरूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ये भी। और एक ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, और इसका शायद प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा, मुझे उतना याद नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है। और ये सेट के साथ आया है, वो है ये पिंक कलर का चिकनकड़ी कुर्ती, ये अलग ही खूबसूरत है, वाओ। तो ये कुर्ती का पूरा फ्रंट है, ये बहुत, ये अलग ही खूबसूरत है, और इसका हैंड में पूरा वर्क किया हुआ है पूरा डिटेलिंग के साथ, एंड ये गला है, ये हैंड में पूरा वर्क है, और ये नीचे में वर्क है। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसका मटेरियल एक बार देखे, मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है, और ये उतना, मतलब उतना ज्यादा जैसे यहाँ पे सी थ्रू है, इसमें सी थ्रू नहीं है, इसमें आप नॉर्मली इनवेयर के साथ पहन सकते हो, या फिर किसी को पहनना है तो वो अपने पहन सकता है, पर जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा है, और इसका ये कौन सा, ये बेबी पिंक कलर है या फिर पूरा लाइट, एकदम डीप पिंक नहीं है, चटकदार पिंक नहीं है, ये बेबी पिंक कलर ही है, बहुत ही सोवर है। इसको आप कहीं पे भी, आप ईद के टाइम पे भी, मैं भी उस दिन में पहन लूँ, या फिर आप ऑफिस में भी जाके पहन सकते हो, आप कहीं कैजुअल कहीं डेट पे जा रहे हो तब भी पहन सकते हो, या फिर कभी भी पहन सकते हो। ये इतना अच्छा है, ये हर जगह पहन के हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट है, एलिगेंट है, और बहुत ही अच्छा है। इसका हैंड में जो वर्क किया हुआ है ये भी बहुत ही अच्छा है, पूरा डिटेल्स के साथ वर्क किया हुआ है, पूरा डिटेल्स के साथ, वाओ, बहुत ही अच्छा है। इसका पूरा पूरा बॉडी में काम है, पूरा बॉडी में पूरा काम है, और पीछे में सामने में पूरा बॉडी में काम है, और इसका जो प्लाजो है, प्लाजो भी बहुत ही खूबसूरत है, प्लाजो का कपड़ा बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, वो तो हैंड में लेते ही पता चल गया। प्लाजो में भी पूरा वॉक है, एकदम पूरा वॉक करते हुए नीचे है, छोटा छोटा यहाँ पे छोटा छोटा फ्लावर बना हुआ है, पिंक पिंक जैसे इसके साथ मैच करके ही बना हुआ। ये भी पूरा चिकन करी का पूरा काम किया हुआ है, पूरा प्लाजो यहाँ तक, और प्लाजो में भी बहुत अच्छा है। ये साइड का भी प्लाजो दोनों का ही सेम है, पर ये तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका इलास्टिसिटी, ये भी मैंने बोला ना, इसका प्राइस शायद 1000 के अंदर या फिर 1000 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उतना मुझे याद नहीं, पर उतना ही होगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगी। पर ये भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका मटेरियल भी इतना एकदम प्योर कॉटन है, और पूरा एकदम प्योर कॉटन है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में जाता है जो कॉटन, वो है यहाँ पे मटेरियल यूज किया हुआ है, एंड इसका जो पूरा काम किया हुआ है, पूरा चिकन करी कुर्ता का जो वर्क किया हुआ है, बहुत ही अमेजिंग है। पर ये दो सेट, दो अगर पूरा सेट का अगर ये बात किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा है, और जितना भी प्राइस होगा फिर भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि
नॉर्मली मार्केट में ये सब 1500 1500 1600 या फिर 2000 के अंदर ही आता है। मैंने खुद खरीदा हुआ है दूसरा जगह से, तो उस हिसाब से एक्सपीरियंस से बोलूं तो ये बहुत ही अच्छा डील है, ये बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसको ले सकते हो, मैं आप लोगों को रिकमेंड दो करूंगी जो आप लोग ले सकते हो। ये मुझे बहुत है, ये बहुत अच्छा है, ये कहीं पर भी हम लोग पहन के जा सकते। ये एक है और दूसरा ये ब्लैक वाला, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही एकदम प्रिटी सा है और इसमें जो कलर ये है ये भी मुझे बहुत एक्चुअली मैं दो नहीं मैं ये भी करूंगी, मैं ना एकदम पागल हो जाऊंगी कुर्ती देख देख के, ये भी करूंगी। तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे ये सब नया है तो इसका कपड़ा बोलो या फिर सारे जो ये चीज, और ये जो है ये नया नहीं है, ये किसी का यूज किया हुआ है, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है देखो, या फिर इसके साथ भी देखो, दोनों में बहुत फर्क है। पर इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है और मैं अभी रिटर्न भी नहीं कर सकती, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं पहन लूंगी। और ये सारे चीज तो हो गया। और आप लोग अगर मैच, जैसे कि मैंने जो पहना है ब्लैक वाला, ऐसे जो सी थ्रू जो चिकन कड़ी जो कुर्ती है उसके साथ में मैं बोलूंगी कि आप लोग वहां पे मैच मिल जाएगा, तो आप लोग ये इनवेयर ले लीजिए, क्योंकि ये अच्छा है कि पहनने मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, तो ये अच्छा है। और ये थोड़ा सा सी थ्रू नहीं होता है, जैसे कि मैंने पहना है उसके अंदर में हम लोग जो अपना इनवेयर जो पहनते हैं जो भी, तो वो उतना दिखेगा नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल है हर जगह से जाते। ये भी मेरा बहुत कंफर्ट, क्योंकि मैंने सारे चीज 38 साइज में लिया था। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा मेसो कुर्ती हॉल जरूर बताना। और आप लोगों को इतना सारा जो 7 मैंने कुर्ती सेट दिखाया, तो उसमें से कौन सा आप लोगों को अच्छा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताना। और मुझे मेसो ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, मैंने जैसा देखा था वैसा ही आया है, सिर्फ एक को छोड़ के इसका मटेरियल मुझे थोड़ा कुछ खास नहीं लगा ये वाला का, बाकी सब तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों को अगर नेक्स्ट मेरा और भी मेसो का कुछ हॉल देखना है वो भी कमेंट में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए वो हॉल वीडियो लाने के लिए। तो अब टॉम भी बोल रहा है कि मम्मा का चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाबू बोलो तो, बोलो सारे आपी को आंटी को सारे दीदी बहनों को सबको बोलो कि मम्मा को चैनल को सब्सक्राइब करो, बोल तो रहा है। आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप कि आपका वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सा कुर्ती अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो अच्छा ही लगा मुझे, और जो जो मेरा फेवरेट है वो भी मैंने बता दिया। और मैं सारी कुर्तियों को मैं अगर रेटिंग देना चाहूँ तो 10 में से मैं 8 दूंगी। यस, क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज सब कुछ एकदम परफेक्ट था। सो मेसो ने अच्छा प्रोडक्ट दिया है, तो आप लोग भी ले सकते हैं, और मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।